माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल बेकसूर है। उसने हिरन को नहीं मारा है, हिरन ने आत्महत्या की है। मेरा मुवक्किल तो बस निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो किस्मत का मारा हिरन निशाने के सामने आ गया। भाई के बारे में जानने से पहले आप उस हिरन की कहानी पढ़िए। ए बनवरलाल, साहब को फाइल पकड़ा, जल्दी जल्दी। हाँ ला दे दे दे। हाँ लीजिए साहब, ये रही फाइल आपकी, पढ़िए कि कैसे वो हिरन आत्महत्या की ओर बढ़ गया। वो काला हिरन बेरोजगार था। कोशिशों के बाद उसके एक स्कूल में चपरासी की नौकरी लगी। फिर उसकी शादी हो गई, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हुए। खर्चा बढ़ने लगा, वेतन कम था, टेंशन के मारे वो पीने लगा। उसे नौकरी से निकाल दिया गया, वो और पीने लगा। एक दिन हो गया बेहोश। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि आपका लीवर ख़राब है। वो हो गया उदास, बिजली और पानी का बिल न भरने कारण कटौती हो गई, किराया न देने कारण घर से निकाल दिया गया। वो झोपड़ी बनाकर उसमें परिवार सहित रहने लगा। दोस्तों से उधार लिया राशन के लिए, लेकिन चुका नहीं पाया और पिटाई हुई कस के। बच्चों का स्कूल छूट गया, बीवी मायके चली गई। एक दिन वो चला जा रहा था, उसने देखा भाई निशाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ आप जानते हैं। खबर सुनने के बाद बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। भाई उन्हें खुद दिलासा देने गए और हिरन का लाइफ इंश्योरेंस दिलवाने की बात कही। उन्होंने कंपनी को नोटिस भी भेजा। ए बनवर लाल, जल्दी साहब को अर्जी का, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ लीजिए साहब, देखिए। भाई ने खुद 2 करोड़ काला धन उन्हें दिया। अब बताइए, सब लोग भाई जैसे परोपकारी इंसान पर आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों पर लानत है। और मेरे ख्याल से उन लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए और भाई को बाइज्जत बरी करना चाहिए। माय लॉर्ड, भाई बेकसूर है। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल बेकसूर है।